सारी कागजे जो है सही है, भट्टे का लीगल ढंग से पेपर है, हमने न देने पर विभागीय अधिकारी को बुला करके हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है। कितना पैसा मांग रहे थे? 20,000 रुपए मांग रहे थे। क्या बोले? बोले कि पैसे दिए ना तो मैं जो है आपकी मशीन बंद करवा दूंगा। अच्छा। आके बोले कि थाने नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश की आवाज न्यूज। थाना जिगना में बह रही है भ्रष्टाचार की गंगा। आपको बता दें कि अवैध वसूली करने मनकटी में जिगना थाना के दो सिपाही पहुंचे। जेसीबी मालिक से मांगे 20,000 रुपए, पैसा न देने पर अवैध खनन का नाम देकर खनन विभाग को बुलाया गया। आश्चर्य तब हुआ जब खनन विभाग की टीम ने के लोगों ने कहा कि रॉयल्टी जमा और ये पूरी तरह से लीगल है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट वहाँ पे उपस्थित उनके मालिक से एवं उपस्थित सिपाही से खास बातचीत, देखते रहे प्रकाश के बाद। पैसा कौन मांग रहा है? कौन पैसा मांग रहा है वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं 20,000 रुपया मांगे हैं आप। काहे ले पैसा मांगे? अभी हम कहा जाने, अब तो खुद ही वही कर भेजे थे हमको, अब मौके पे बुलाए थे। हमारा नाम आनंद मोहन सिंह उर्फ धीरज सिंह कोटहा, मैं एक व्यापारी हूँ जी। हमारा खुद का फर्म है जी। हमारी मशीन का हर चीज टैक्स पेड है जी। सारी कागजे जो है सही है, भट्टे का लीगल ढंग से पेपर है जी। महोदय सुबह आए हैं दो लोग, इनका फोटो भी ले लीजिए, ले लिए। हमसे पैसे की बात कर रहे थे जी ये लोग, हमने न देने पर विभागीय अधिकारी को बुला करके हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है। कितना पैसा मांग रहे थे? 20,000 रुपए मांग रहे थे। क्या बोले? बोले कि पैसे दिए ना तो मैं जो है आपकी मशीन बंद करवा दूंगा। अच्छा। सुबह आके बोले हैं कि थाई मशीन ले चलो। अच्छा, ये कोई नियम है? तो आपका पेपर तो सब लीगल, सब है, सब लीगल है, 100% लीगल है। मैं कह रहा हूँ, मैं एसपी साहब से दिखाने को मैं तैयार हूँ, सारा पेपर वहाँ दिखाऊंगा, मैं इन लोगों को नहीं दिखा सकता। एक खनन विभाग के अधिकारी भी आए थे, कोई मोहम्मद खाली, वो भी कह रहे सही है जी। जी वो आए थे, उन्होंने जाँच किया, सब कुछ सही था जी। सारी इसमें जो भी चिबिल्लई कही है, हम ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, जो भी चिबिल्लई कही, वो महोदय जो भी है, इनका जो भी नाम है मैं इनको नहीं पहचानता जानता, ये थाने से सिपाही हैं, सारा कारनामा इनका इनका है। दो लोग सुबह आए, क्या कहना चाहेंगे पब्लिक सफाई? ये सब जितनी बातें हैं सब गलत है, इनसे ना पैसे की बात किया गया ना कुछ पूछा गया। जो भी आपका गाड़ी का कागजात है वो आप ले आकर के बड़े साहब को दिखाइए। थाने पर गया, सारे पेपर लेके गया, बड़े साहब को दिखाया, हम लोग इसमें कोई मतलब नहीं था, हम आए सीधे, खनन अधिकारी आए तो हम लोग दिखाने आए थे कि ये आप थाने से है ना, वर्दी में नहीं आप लोग, वर्दी में नहीं आया सिस्टम लीजिए इनका, तो वर्दी में रहना चाहिए ना आपको, कैसे आपको जानेंगे कि आप कौन है? चलिए हम लोग जैसे है वैसे चले आए। चलिए, हमारी मशीन चल रही थी, पूरा प्रकरण क्या था सुबह? ये दो लोग आए, मैं इनको जानता पहचानता नहीं हूँ, ठीक है। और इन लोगों से थोड़ा मैं भी टाइट बात किया, मैं भी बात करता हूँ, टाइट करता हूँ, क्योंकि मैं लीगल चलता हूँ बिल्कुल। तो ये लोग तत्काल जो है बोले कि ठीक है आप मशीन थाने पर लेके चलिए। मैं बोला मैं बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। किस लिए? बोल रहे बस वही पैसे के लिए, पैसा नहीं जो थाने पर ले चलोगे। अच्छा, मैं साहब से बात किया, अरविंद कुमार सरोज जो कि थाना जिगना है, उनका नंबर आपने हमको दिया, प्राइवेट नंबर उनका। यशो महोदय से आपने बात किया? हमने उनसे बात किया, वो बोले ठीक है अपना पेपर ले। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मोहम्मद खाली। अच्छा अच्छा, क्या मामला था यहाँ पे? यहाँ पे शिकायत मिली थी कि क्या नाम है, खनन हो रहा है, ईंट भट्टे का मामला है, ईंट भट्टे की राइटिंग जमा। यहाँ पे आइए, ठीक है, तो आपको सारा चीज यहाँ पर लीगल मिला? हाँ, रॉयल्टी जमा, कोई चोरी नहीं है ना? पिछले वर्ष की रॉयल्टी जमा, ईंट भट्टो का काम है, मतलब ईंट भट्टे का मतलब इनका काम जो है लीगल है ना, राइट है? तो आप लोग पैसा क्यों देते हैं? आप लोग लीगल चल रहे हैं ना? लीगल चलता था, फुलाई। अच्छा, तो पैसा आपने दिया? कितना दिए हैं? 1,000। 1,000 किसको दिए हैं? अब ना कहाँ जाना है बताइए। कौन? अरे कपड़ा किस कलर का पहने थे बताइए? भ्रष्टाचार आप ही लोग बढ़ा रहे, बताइए ना कितना दिए हैं? कहा था ये? किसको? अच्छा, जो कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग मान सिंह रहने वाले हैं, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के। हमारा थाना जो है वो जिगना है। क्या मामला है अभी आप? अरे मामला ये है कि अभी समय मान लीजिए खेती बाड़ी का काम चल रहा है, हम किसान आदमी अपने खेत पर लगे हैं, 4-6 आदमी लेकर के, और हमारी मशीन चल रही है, और हमारी मशीन को पुलिस वाले, जिगना वाले, और ये क्या कहते हैं खनन विभाग, ये 2-4 लोगों के कहने पर कि बहकावे में आकर के पता नहीं क्या हमारे पीछे पड़े हैं, हमारी मशीन को रोक रहे हैं, हमारे मशीन के सारे कागजात दुरुस्त हैं। हम तो शासन से और अपने उच्च प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, हमारा बुलडोजर रोका जा रहा है। तो आपका आपका जो पेपर है सब सही हमारा है? पेपर एकदम अप टू डेट कंप्लीट है।
जितने सारे हमारे प्रदूषण के कागजात सही हैं, हमारे सारे कागजात सही हैं, पेपर का वो टैक्स सब गाड़ी का जमा है, एक भी कागजात हमारा अधूरा नहीं है जो कि इनकम्प्लीट है। और वो हमारे जिगना थाना के जो ये दरोगा और सिपाही हैं, ये पता नहीं कहाँ के क्या किस दिमाग के हैं। हम किसान आदमी हैं, मशीन किस्त पर लिए हुए, हमको मशीन नहीं चलने दे रहे हैं और मशीन 4-6-10 और गाँव में चल रही है, किसी का पेपर नहीं सही है। जितना पेपर हमारा सही है मिर्जापुर जनपद के अंदर किसी का पेपर नहीं है। ब्लॉक की बात छोड़ दीजिए, मिर्जापुर जिले में हमारे जैसा पेपर किसी गाड़ी का सही नहीं है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। और कोई जी हाँ, वो हम तो थे नहीं वहाँ, कटाई पर थे, वहाँ हमारा काम चल रहा है धान का, देखा और हमारे लड़के से पैसा 10-20 हज़ार रुपए की मांग कर रहे हैं। पैसा दीजिए, क्यों पैसा दे भाई? हम कौन मांग रहा था? वो एक सिपाही है, उसका क्या नाम है, मनीष करके कोई है सिपाही, पता लगी है कि वो मांग रहा है पैसा। हम तो मौके पर थे नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि उसका नाम मनीष है सिपाही जिगना थाने का। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। हम जिलाधिकारी से निवेदन करेंगे और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हमारे बुलडोजर को न रोके।